आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमए प्रीवियस भूगोल के प्रायोगिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इस प्रायोगिक भूगोल में भी हम लोग प्रोजेक्शन अर्थात प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्शन का अध्ययन किया था और इस प्रोजेक्शन में हम लोगों ने मर्केटर प्रोजेक्शन का अध्ययन किया था। आज जो हमारा अध्ययन है प्रोजेक्शन का, वो है गॉल्स स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, गाल का त्रिविम प्रक्षेप। इस गॉल प्रक्षेप के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ लें, समझ लें, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे गॉल प्रक्षेप की रचना की जाती है। यह भी एक बेलनाकार प्रक्षेप का रूप है, इसे हम लोग संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप के रूप में जानते हैं और इसकी रचना कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है, जैसे कागज का बेलन अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों की तरह ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श नहीं करता। देखिए, पूर्व के ऑनलाइन क्लास में बताया गया था कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों के विशेषताओं को दिखाने के लिए सिलेंड्रिकल या बेलनाकार प्रक्षेप की रचना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ग्लोब पर या ग्लोब को कागज का बेलनाकार रूप भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है, इसीलिए हम लोग भूमध्य रेखाओं के आसपास के क्षेत्रों के वितरण को दिखाने के लिए सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। यह भी एक संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप है, लेकिन इसमें कागज का बेलनाकार रूप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को स्पर्श नहीं करता। इसमें यह माना जाता है कि कागज का बेलनाकार रूप ग्लोब के अंदर 45 डिग्री उत्तरी एवं 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्तों को स्पर्श करता है। तात्पर्य कि इस प्रक्षेप में बेलन या बेलनाकार कागज का स्वरूप ग्लोब को एक अक्षांश वृत्त पर स्पर्श नहीं करता बल्कि दो अक्षांश वृत्त 45 डिग्री उत्तरी एवं 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्तों को स्पर्श करता है। और गाल के प्रक्षेप में भूमध्य रेखा के अलावा अन्य प्रक्षेपों की अन्य अक्षांशों की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश वृत्त के बराबर का होता है। 45 डिग्री अक्षांश वृत्त के अनुसार ही इस प्रक्षेप में अन्य अक्षांश वृत्तों की लंबाई या दूरी ज्ञात की जाती है। हम लोग इसे अगले स्लाइड में एक उदाहरण के रूप में देखेंगे कि इस प्रक्षेप की रचना कैसे की जाती है और साथ ही साथ अन्य स्लाइड में यह भी देखेंगे कि अगर हमें गॉल प्रक्षेप की रचना करनी है तो गणितीय विधि से किन आधारों पर या किन विशेषताओं के आधार पर इस प्रक्षेप की रचना की जाएगी। इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं और समझने के साथ इसे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, RF 1:1:250 and 60, 250 के आगे 6 शून्य लगा दीजिए, पर संसार के मानचित्र को बनाने के लिए गाल का प्रक्षेप बनाइए, इंटरवल अंतराल 15 डिग्री का है, अंतराल
15 डिग्री का है। देखिए अन्य प्रक्षेपों के अनुसार, अन्य प्रक्षेपों के जैसे हम लोगों ने बनाया था, तो मुख्यतः हम लोग को तीन विशेषताओं की या तीन तथ्यों की आवश्यकता होती है। इन तीन तथ्य जो हैं इनके बारे में आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से हैं। पहला, इस प्रक्षेप के आधार पर कि 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई कितनी होगी, ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जिस सूत्र से हम लोग भूमध्य रेखा की लंबाई निकालते हैं। दूसरा, दिए हुए अंतराल पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये हम लोग लगातार निकालते आ रहे हैं। पहले कालांश से लेकर जब हम लोगों ने प्रक्षेप प्रारंभ किया था कि देशांतर की दूरी कैसे निकालेंगे, 2πr इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। और तीसरी जो हमें चाहिए वो है अक्षांश रेखाओं की भूमध्य रेखा से दूरी। तो सबसे पहले हम लोग रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ यानी r या RRE निकालेंगे। r बराबर होगा 635 एंड 60, जो कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी का वास्तविक अर्थव्यास सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाई जो हमारा RF दिया है उसका r। ये निकालेंगे तो हमारा R की वैल्यू आ जाएगी, और R की वैल्यू आएगी इसमें 2.54 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पर भूमध्य रेखा की दूरी नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई। अब 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई कैसे आएगी, 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई इसे हम लोगों ने बृहद रूप से एक मानक अक्षांश और दो मानक अक्षांश रेखाओं के आधार पर जब गणितीय विधि से किया था तो ये जानते हैं एक फार्मूला निकल के आया था 2πr cos थीटा, या थीटा यहाँ 45 डिग्री है, 2πr cos 45। और इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 2 × 22/7 × r 2.54 और cos 45 का मान आता है 0.7071 × 0.7071। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 11.3 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जिस समय एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की रचना की थी उस समय देखा था हम लोगों ने कि 45 डिग्री या जो भी थीटा का मान हो उसकी दूरी कैसे निकालेंगे, लंबाई कैसे निकालेंगे, 2πr cos थीटा या 2πr 45 डिग्री। अब दूसरी हमें जो विशेषता चाहिए, जो हमें तथ्य चाहिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा, हमें 15 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, 15 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखाओं के की दूरी, देशांतर रेखाओं की दूरी इसे भी हम लोग जानते हैं 2πr cos 45 इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। तो 2πr cos इंटरवल हम लोग ये है 11.3 इंटू इंटरवल 15 डिग्री का है डिवाइडेड बाई 360, इसका मान आ जाएगा 0.47 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों तथ्य बड़े आराम से हमें निकल के आ गए। अब हम लोग को जो विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी निकालनी है उसके लिए अगले स्लाइड पर देखेंगे कि कैसे निकालते हैं इसे। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो चित्र है उस चित्र को देखिए। ये तो हमारा ग्लोब है, आपको जो गोल सा दिख रहा है ये ग्लोब देख लीजिए आप। और ये हमारा बेलन है, कागज का बेलन है।
कागज का बेलन दिया हुआ है यहाँ पे, और ये 45 डिग्री का मान है, यहाँ से 45 डिग्री ये है और नीचे 45 ये है। और इसमें जो सूर्य की प्रकाश की दूरी है, प्रकाश की स्रोत है, स्टीरियोग्राफी का पी यहाँ है। इस चित्र को देखिए ध्यान से, इसमें यह कल्पना की गई है कि ग्लोब के अंदर बेलन बेलनाकार रूप में कागज ग्लोब के अंदर सेट है और 45 डिग्री अक्षांश वृत्त को उत्तरी एवं दक्षिणी, क्योंकि ये उत्तर का भाग हो गया, ये उत्तर का भाग हो गया, ये दक्षिण का भाग हो गया, दोनों जगह ये कागज का बेलनकार या बेलनाकार प्रक्षेप जो बेलनकार हम लोग बनाए हैं यहां पे टच कर रहा है। अब हम लोग इसको देखिए, 60 डिग्री को भी देखिए, 60 डिग्री जो अक्षांश है यहां पे टच कर रहा है ऊपर की ओर, और इसको अगर हम प्रकाश के आधार पे देखें जो आगे फैलाएं, तो इस कागज को जो कागज का बेलनकार है उसे सी पर इसकी रेज यहां पे आ रही है, इसकी रेज यहां पर आ रही है। अब देखिए हम लोग को विभिन्न प्रकार के अक्षांश वृत्त की या अक्षांश रेखाओं की लंबाई निकालनी है विभिन्न अक्षांशों की, तो इसके लिए हम लोग देखिए यहां पर P बिंदु पर प्रकाश की स्थिति है, तो इसे हम लोग अगर किसी अक्षांश वृत्त की बेलन पर भूमध्य रेखा से प्रक्षेपित दूरी देखी जाए, तो अगर हम 60 डिग्री को लें तो यह दूरी हो जाएगी भूमध्य रेखा से दूरी CB के बराबर हो जाएगी। अगर हम 60 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री की सी डैश यहां पे है और इसकी जो रेज गई है आगे, क्योंकि P बिंदु पर प्रकाश का केंद्र माना गया है, वो इस कागज पर सी पे जाएगी, तो ये CB के बराबर हो जाएगी। 60 डिग्री की भूमध्य रेखा से दूरी CB के बराबर होगी, 45 डिग्री की DB के बराबर होगी। इसे हम लोग गणितीय सूत्र के माध्यम से विभिन्न अक्षांश वृत्तों के बारे में निकालने का प्रयास करेंगे। इसे देखिए अगले स्लाइड पर हम लोग देखते हैं कैसे विभिन्न अक्षांश वृत्तों की लंबाई निकालते हैं और कौन सा इक्वेशन निकालते हैं। अब देखिए हमारा, हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज सी डैश ओ ए में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डैश ओ ए लेते हैं। आपके सामने वो फिगर है, उसे देखिए, इसमें देखते हैं क्या है, सी डैश ए, सी डैश ए ये लंब हो जाएगा 60 डिग्री वाला, आपको ध्यान होगा, डिवाइडेड बाई ओ सी डैश क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, ये किसका फार्मूला होता है, बराबर साइन थीटा। हम लोग समकोण त्रिभुज सी डैश ओ ए की बात कर रहे हैं, इसको देखिए आप सी डैश ओ और ए इसकी बात कर रहे हैं, सी डैश ओ और ए ये जो आपका संपूर्ण त्रिभुज बना है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें सी डैश ए ये लंब हो जाएगा और ओ सी डैश डिवाइडेड बाई ओ सी डैश ये कर्ण है, ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। फिर ये साइन थीटा बराबर हो गया, मतलब सी डैश ए बराबर हो जाएगा ओ सी डैश साइन थीटा, ओ सी डैश साइन थीटा, ओ सी डैश क्या है, आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है, या ये हो जाएगा आर साइन थीटा। आप उस चित्र को देखिए, जो फिगर है वो हो जाएगा आर साइन थीटा, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी इसी से संबंधित है, दूसरा ओ ए डिवाइडेड बाई
ओसी डैश ओ ए, चित्र को देखते हैं, ओ ए ये आधार डिवाइडेड बाई ओसी डैश कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंप्लाइज दैट ओ ए बराबर ओ सी डैश कॉस थीटा, ओ सी डैश बराबर क्या है आर कॉस थीटा। ये हमारे दो इक्वेशन निकल गए इससे। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे के लिए अब समकोण त्रिभुज डी ओ बी, समकोण त्रिभुज डी ओ बी में देखते हैं। पहले डी ओ बी देख लीजिए क्या है, डी ओ बी इसकी बात कर रहे हैं, डी ओ बी इसमें देखिए क्या है, डी ओ बी में ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी देख लीजिए क्या है, ओ बी क्या है ओ डी क्या है, ओ बी हो गया आधार और ओ डी हो गया कर्ण, ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। फिर इसमें ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी कॉस थीटा और ओ डी बराबर क्या है आर कॉस थीटा हो गया। और यहां पर आपको ध्यान है कि ये जो वैल्यू थीटा यहां पे है 45 डिग्री का मान है, ये देखेंगे आप इसमें 45 डिग्री का मान है, यानी आर कॉस 45, आर कॉस 45। अब चूंकि त्रिभुज सी पी बी, सी पी और बी ये देखिए सी पी और बी, अब इसको ले ले बड़ा वृत्त जो त्रिभुज बना है ये बड़ा सा सी पी बी प्रकाश के केंद्र को लेते हुए और आधार लेते हुए सी पी बी में देखिए, और सी डैश ओ डैश ओ, सी डैश ओ ए में लीजिए, ये समानुपाती हैं, ये सी पी बी और सी डैश ओ ए ये समानुपाती हैं, जिससे सी बी इसको लिख लेते हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, समकोण त्रिभुज सी पी बी एंड समकोण त्रिभुज सी डैश ओ ए ए, ओ ए समानुपाती हैं, समान अनुपात में हैं, जिससे सी बी डिवाइडेड बाई सी डैश ए इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए। अब देखिए इसमें सी बी, सी बी डिवाइडेड बाई सी डैश ए इज इक्वल टू पी बी, पी बी डिवाइडेड बाई पी ए, ये समानुपात में है इसलिए दोनों चीजें बराबर होंगी। अब चलते हैं इसके आधार पे आगे देखते हैं क्या होता है, तो सी बी बराबर हो जाएगा, सी बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पी बी सी ए, पी बी इंटू सी डैश ए डिवाइडेड बाई पी ए, और सी डैश ए पी बी को करते हैं हम लोग, पी बी बराबर हो जाएगा पी ओ डैश प्लस ओ बी, इसको देख लेते हैं डिवाइडेड बाई पी ए, पी बी बराबर पी पी ओ डैश, पी बी बराबर हो जाएगा पी बी बराबर पी ओ, पी ओ प्लस ओ बी, पी बी बराबर पी ओ प्लस ओ बी, डैश नहीं है पी ओ, ये डैश नहीं है यहाँ पे, इसको डैश हटा दीजिए, पी ओ प्लस ओ बी। अब पी ए बराबर है, नीचे से नीचे लिख लीजिए यहाँ पे, पी ए बराबर है पी ओ प्लस ओ ए, पी ओ प्लस ओ ए, इसको देखिए पी ए बराबर क्या है
PA बराबर PO प्लस OA, ये चीज हो गया। तो C डैश A बराबर कितना है, C डैश O बराबर, अब C डैश A बराबर R साइन थीटा, R साइन थीटा, और PO बराबर है R प्लस OB बराबर R cos थीटा, R cos 45, cos 45 डिवाइडेड बाई PO बराबर R प्लस और cos थीटा, cos थीटा। ये एक हमारा एक फार्मूला आ गया, इसको आप आइडियल रूप में मान सकते हैं, मानक मान सकते हैं। R sin थीटा विद इन ब्रैकेट R प्लस और cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय R प्लस और cos थीटा, ये एक हमारा फार्मूला आ गया। विभिन्न अक्षांश वृत्तों की दूरी आ गई इस पे। अब जिस भी की वैल्यू निकालनी है आप इसमें पुट करते जाइए मान को, और आपकी अक्षांश वृत्तों की दूरी आती जाएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं 15 डिग्री अक्षांश वृत्त के लिए, 15 डिग्री अक्षांश वृत्त के लिए तो R का मान कितना है, आपको ध्यान होगा हम लोगों ने निकाला था R बराबर 2.54 इंटू साइन 15 डिग्री 2.54 प्लस 2.54 कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2.54 प्लस 2.54 कॉस 15 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंदी है लेकिन सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 0.57 सेंटीमीटर। इसी फार्मूले पे अब हम लोग 30 डिग्री का मान रखेंगे, 45 डिग्री का मान रखेंगे, 60 डिग्री का रखेंगे और 90 डिग्री का मान रखेंगे। इसे अगले स्लाइड पे देखते हैं। 15 डिग्री का मान आ गया, अब 30 डिग्री का मान रखना होगा, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, एक मैं 30 डिग्री का बता देता हूँ, ये 30 डिग्री का रखना होगा हमें, तो इसके लिए थर्टी डिग्री का मान हो जाएगा, और R यानी कि 2.54 साइन 30 डिग्री विद इन ब्रैकेट R 2.54 प्लस 2.54 कॉस 45 डिग्री, ये तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई 2.54 प्लस 2.54 कॉस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.16। ऐसे ही 45 डिग्री का मान आ जाएगा, 45 डिग्री का मान आ जाएगा 1.79, 60 डिग्री का मान आ जाएगा 2.50, 75 डिग्री का मान आ जाएगा 3.32, 90 डिग्री का मान आ जाएगा 4.33 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोगों ने शुरू में तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी प्रक्षेप को बनाने के लिए। पहला विषुवत रेखा या 45 डिग्री अक्षांश की दूरी, वो निकाल लिया हम लोगों ने। दूसरा देशांतरी दूरी विभिन्न अक्षांशों पे, वो निकाल लिया हम लोगों ने। और तीसरा विभिन्न अक्षांश वृत्तों की दूरी, ये निकाल लिया। अब देखते हैं हम लोग कैसे इसमें ड्रॉ करना होगा। इसको आप देखिए, ये बनाया गया है प्रक्षेप के रूप में, प्रक्षेप बनाया है इसको, ये देखिए। सर्वप्रथम एक ग्लोब बना दीजिए, 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री तक बना दीजिए, और इसको पी जो है या ए यहाँ माना गया है, इसमें
प्रकाश का स्रोत है और आपके जो 45 डिग्री अक्षांश की दूरी है उसे 45 डिग्री पर ले जा करके इसमें देखते हुए इससे वो दूरी खींचिए। उत्तर में और दक्षिण में 45 डिग्री यहाँ है और फिर विभिन्न अक्षांश वृत्तों की दूरी दी गई है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये खींच लीजिए। और जो आपके देशांतरी दूरी है उसको 45 डिग्री पर मान लीजिए, इसको 24 भागों में डिवाइड कर लीजिए और आपका ये अक्षांश भी हो जाएगा, देशांतर भी हो जाएगा और फिर ये हमारा गॉल्स प्रक्षेप तैयार हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस बस केवल मान निकालने का है, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा कि पहले के एक्सरसाइज में रहा है। आप लोगों ने इस प्रक्षेप को बड़े ध्यान से सुना, आप सभी का आभार। और जब भी ऑफलाइन हो तो आप इसको बनाकर दिखाइए और कोई दिक्कत हो तो उस समय पूछेंगे, पूछेगा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।